मेकअप एप्लीकेशन ऑर्डर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वन बाय वन इनको हम देखते हैं। और इधर है फेस ऑर्डर और ये है आई ऑर्डर। कौन सा प्रोडक्ट इस तरह हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फेस मेकअप ऑर्डर में सबसे पहले फेस को क्लींसिंग करना ज़रूरी होती है। इसके लिए आप माइसेलर वाटर से फेस क्लींजर फेस क्लीन कर लें या फिर मिल्क से कॉटन से। इस ये स्किन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर ऑयली स्किन है तो आप माइसेलर वाटर तो हर स्किन पे यूज़ हो जाता है। सिर्फ जो क्लींजिंग मिल्क होता है वो सिर्फ आपने ड्राई स्किन पे यूज़ करना होता है। एक कॉटन से आप उनकी डस्ट रिमूव कर लें, आपकी ही फेस फिर जो है वो क्लीन और लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। उसके बाद फिर आ जाता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र्स भी आपने स्किन के अकॉर्डिंग देखने होते हैं कि ड्राई स्किन पे कौन सा करना है, ऑयली पे कौन सा करना है, कॉम्बो पे कौन सा करना है, मैच्योर स्किन पे कौन सा करना है। मॉइस्चराइज़र जब फेस पे अप्लाई करते हैं तो आप साथ ही लिप्स को पे भी आप कॉटन से उनकी वैसलीन या इस तरह की कोई लिप ग्लॉस वो अप्लाई कर लें ताकि जो लिप्स हैं वो भी प्रेप हो जाए, ताकि जब तक आप लिपस्टिक तक पहुँचें तब तक आपके लिप्स भी जो हैं वो प्रेप हो जाए, नीट बन जाए। क्योंकि जब बहुत से मोस्टली जो होते हैं लिप्स ड्राई होते हैं तो वो फिर नीट एंड क्लीन बनाने में आपको काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए कि आप यहाँ पे लिप्स को भी प्रेप कर लें। इसके साथ फिर यहाँ पर ना सीरम्स भी यूज़ होते हैं। सीरम्स भी ऑयली सीरम्स भी होते हैं और वाटर सीरम भी होते हैं। अगेन ऑयली सीरम जो है वो आप ड्राई स्किन पे करेंगे, जो वाटर सीरम की अगर नीड है तो वो आप ऑयली पे करेंगे। फिर आ जाते हैं प्राइमर। प्राइमर भी पोर मिनिमाइजर प्राइमर भी होते हैं और बाकी टाइप्स के भी होते हैं, तो वो भी स्किन के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करने होते हैं। फिर आता है करेक्टर। करेक्टर जो है ऑरेंज करेक्टर ज़्यादा कॉमन है हमारी एशियन स्किन पे, जो हमारे डार्क सर्कल्स को पिगमेंटेशंस को और डार्क स्पॉट्स को हाइड कर देता है, इसके लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाती है फाउंडेशन। ये जब एरिया आपने कर लिया है ये एरिया आ जाता है आपकी स्किन प्रेप के लगता है। ये आपने स्किन को प्रेप कर लिया, स्किन अब मेकअप के लिए रेडी हो गई है। इसमें है कि अगर आपके पास टाइम है तो 5-7 मिनट्स का आप स्टे भी दे दें स्किन को। उसके बाद फिर आप फाउंडेशन पे आएँ। अगर आप फेस की पहले कर रहे हैं तो फिर फाउंडेशन पे, और अगर ये कि आप आईज़ का पहले करना चाहते हैं तो फिर आईज मेकअप पे चले जाएं। अगर फेस की कर रहे हैं तो फेस की फाउंडेशन आपने फाउंडेशन भी जो टाइप्स में होती है लिक्विड में होती है उसमें स्टिक में होती है ज़्यादा कॉमन ही होती है। और तो स्टिक और लिक्विड भी कंबाइन करके भी आप लगाते हैं, काली लिक्विड भी लगा लेते हैं। ये भी स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं। डब उसमें कॉम्बो बना के भी यूज़ की जाती है। कॉम्बो से मुराद के आप 2-3 शेड्स को मिक्स करके भी करते हैं, वो आपकी एक्सपर्टीज पे है और स्किन की नीड पे है। उसके बाद अच्छी तरह जब आप भी ब्लेंडर से ब्रश से या फिंगर से जो भी आपकी है एक्सपर्टीज़ आप उस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है कंसीलर। कंसीलर से आप फिर जो एरियाज आपने इन्हेंस करने होते हैं वहाँ पे कंसीलर यूज़ करते हैं। कंसीलर और करेक्टर में फ़र्क होता है। करेक्टर वो जो आपने एरियाज आपने हाइड करने हैं, करेक्टर हाइड एरिया में यूज़ होता है और कंसीलर जो है ये इन्हेंस एरिया में यूज़ होता है। उसके बाद फिर आ जाता है कंटोर। कंटोरिंग आपने फेस की किस तरह करनी है, फेस के शेप के अकॉर्डिंग आप करते हैं। फेस को आपने लिफ्ट करना है जो चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, लिप्स पे, इस तरह कंटोरिंग होती है। फिर आ जाता है ब्लश। आ जाता है ब्लश ऑन भी आप चीक्स पे अप्लाई होता है। और ये जो कंटोर ब्लश और फिर हाइलाइटर्स भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, ये भी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करने चाहिए। ऑल इन वन तो है ये सभी भी कर सकते हैं आप। अगर लिक्विड प्रोडक्ट्स आप ड्राई उस पर नॉर्मल स्किन पे करेंगे तो आपकी बहुत फ्लॉलेस बेस बनेगी। उसके बाद फिर आ जाता है पाउडर। पाउडर भी पाउडर में क्या है, सेटिंग पाउडर उसे कहा जाता है। उसमें प्रेस पाउडर भी आता है, सेटिंग पाउडर भी आता है, फेस पाउडर जो केक पाउडर जो होता है वो भी है। वो भी आपने स्किन के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना होता है जो ऑयली स्किन
ड्राई और मिचर पे आप कौन सा पाउडर यूज़ करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग बनेंगे, लूज पाउडर भी होता है। इसके फिर आ जाते हैं आई ऑर्डर। आइस का जो ऑर्डर है उसको वो भी तकरीबन ऐसा ही है कि इस पर भी वेरी क्लिनजिंग है, फिर मॉइस्चराइजर है, फिर कंटोर करेक्टर आइस पे भी करेक्टर और कंसीलर। कि अगर ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आपने करेक्टर लगा के उनको हाइड कर दिया, नहीं तो कंसीलर तो नीचे फर्स्ट लेयर तो आपने कंसीलर भी लगानी है, उसके बगैर तो आपका आई शेड टिकेगा ही नहीं, सही बनेगा ही। तो आई शेड में आप जैसे पता है लाइट से डार्क, डार्क से शिमर, ग्लिटर की तरफ जाते हैं, इस तरह आईज को प्रेप किया जाता है। उसके बाद फिर आईलैशेस लगा ही जाए। अगर आईलैशेस की ग्लू लगा के आप, क्योंकि वेट करना पड़ता है, ग्लू लगा के रख लें, उसके बाद फिर आप आईब्रोज बना लें क्लाइंट की, अपने मॉडल की, और तब तक फिर आए वो ग्लू ड्राई हो जाती है, फिर आप आईलैशेस लगा लें, इस तरह आपका टाइम भी बच जाता है। फिर आईब्रोज कंप्लीट करने के बाद फिर आपने जब आईलैशेस लगा ली हैं उसके बाद फिर आप उस पर लाइनर और मस्कारा उस पर फिर लगाइए। मस्कारा भी लगाने का, लैशेस पे लगाने का और तरीका होता है, ओरिजिनल लैशेस पे लगाने का और तरीका होता है, फेस पे और तरीका होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर आ जाती है बारी लिप्स की। लिप्स पे हमेशा पहले लिप लाइनर या पेंसिल, उससे पहले शेप आप बनाएं तो वो ज़्यादा आपकी नीट एंड क्लीन बनती है। फिर भी बीच में आप मैट और ग्लॉस जो आपकी डिमांड है, लाइन की डिमांड है या आपकी डिज़ायर है, तो वो आप वैसे लिप्स की शेप उनके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। उसके बाद फिर आ जाता है सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे। भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इन दोनों में फ़र्क है, ये भी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे, मगर एंड में फिर होता है कि लास्ट में आपने स्प्रे कर दिया और सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे करने से पहले आपने एक बार फिर अपने फाइनल टचअप दे दिए स्किन को। फाइनल टचअप में क्या आता है? फाइनल टचअप में आता है आपने ब्लश ऑन को देख लिया, आपने हाइलाइटर ग्लो इसको देख लिया। हाँ, आप ग्लो स्टार्ट में आप ज़्यादा रखेंगे उतना ये सेटल होने तक वो आपका डिज़ायर ग्लो तक पहुँच जाएगा, नहीं तो जो इतने फिर आप बहुत अच्छे ब्रांड्स के जो हाईली ब्रांड है उनके यूज़ करेंगे तो वो फिर आपके एंड तक फंक्शन तक आपके साथ 8-9 घंटों तक आपका वो ग्लो कहीं नहीं जाता। इसके अलावा ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये क्रीम प्रोडक्ट्स भी होती हैं और लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी होती हैं। इन सब की डिटेल में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, ड्राई कौन सी होती हैं, वो पाउडर प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, और स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, और उनके ब्रांड्स और उनकी नंबरिंग आपको भी लिस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आपको रिटर्न में भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट में फिर हम बाकी इनकी प्रोडक्ट्स डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे।